Assalamualaikum students, today we will discuss your number 7 properties of matter topic elasticity. This topic is on page number 160 and 161. First of all, write question on this topic. What is elasticity? Explain with the help of examples. First line pe heading note kare, explanation. We are starting from the example of a rubber band. We know that the length of a rubber band increases on stretching it. सिंपली अगर हम रबर बैंड को स्ट्रेच करें तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और एक लिमिट तक जब हम इसे स्ट्रेच करेंगे तो इसकी लेंथ इंक्रीज होगी और जैसे ही हम इसे रिलीज करेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा. लेकिन जैसे ही हम उस लिमिट को क्रॉस करेंगे मीन्स उस लिमिट से ज्यादा स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्स रबर बैंड अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा. सिमिलरली हम स्प्रिंग बैलेंस की एग्जाम्पल लेते हैं. The pointer of a spring balance is lowered when a body is suspended from it. जैसे हम spring balance के spring के साथ कोई body attach करते हैं तो उस spring की length increase हो जाती है. Means ये stretch हो जाता है due to the weight of the body. एक limit तक अगर हम weights attach करें तो after the removal of weights ये spring अपनी original shape में वापस आएगा. लेकिन जैसे हम उस limit से ज्यादा weight इसके साथ attach करेंगे तो ये deform हो जाएगा. Means एक लिमिट से ज्यादा वेट अटैच करने के बाद अगर हम उस वेट को रिमूव कर दें तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच्ड ही रहेगा, अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा. स्प्रिंग की लेंथ में जो इंक्रीज है वो बेसिकली अटैच्ड वेट की वजह से है. अब हम फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं फ्रॉम द फिगर 7.22. इस फिगर में 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और इन 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और इन फोर्सेस के कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट हैं. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वी हैव अ स्प्रिंग. स्प्रिंग पे फोर्स अप्लाई की जा रही है इस डायरेक्शन में और स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा. इन द सेम वे इस रॉड पे टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. टॉर्क प्रोड्यूस होगा, रॉड रोटेट करेगा. इन द लास्ट वी हैव अ स्ट्रिप. इस स्ट्रिप पे फोर्स अप्लाई हो रही है जिसे डिफॉर्म कर रही है. तो यहाँ पे फोर्सेस के डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज हैं. मीन्स फोर्सेस ऑब्जेक्ट्स पे डिफरेंट वे में एक्ट कर रहे हैं, उसका रिजल्ट डिफरेंट है. आगे हम डिफॉर्मिंग फोर्स देख लेते हैं. यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स की हेडिंग मार्क कर लें. The applied force that changes shape, length or volume of a substance is called deforming force. यानी वो force जिसके consequence में object की shape, उसकी length या volume में change आ जाए is called deforming force. For example, यहाँ पे हमने discuss किया है कि अगर हम एक limit से ज़्यादा से stretch करेंगे तो release करने के बाद भी ये अपनी original shape में वापस नहीं आएगा. और यही इसके साथ भी case है कि एक limit से ज़्यादा weight attach करने के बाद हम remove भी करेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा. तो इस केस में हमारे पास जो अटैच वेट है वो डिफॉर्मिंग फोर्स और यहाँ पे जो हमने एक लिमिट से ज्यादा फोर्स अप्लाई की है वो डिफॉर्मिंग फोर्स है. यानी यहाँ पे उस वेट को अगर हमने रिमूव भी कर दिया है तो भी स्प्रिंग अपनी पोजिशन में वापस नहीं जा रहा. इन मोस्ट ऑफ द केसेस द बॉडी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप एज सून एज द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड. ज्यादातर केसेस में होता है कि जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव होती है ऑब्जेक्ट्स अपनी ओरिजिनल शेप में अपने ओरिजिनल साइज में आ जाते हैं. लेकिन कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता, ऑब्जेक्ट्स टोटली डिफॉर्म हो जाते हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी. राइट हेडिंग डेफिनेशन. द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रीस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप एज द डिफॉर्मिंग फोर्स सीजेस टू एक्ट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. यानी किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में अपने ओरिजिनल साइज में वापस आ जाती है जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स डिक्रीज होती है. सीजेस का मतलब है डिक्रीज होना. तो जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स डिक्रीज होती है, कम होती है, या आप कह लें कि डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव होती है तो ऑब्जेक्ट्स अपने ओरिजिनल शेप में अपने ओरिजिनल साइज में वापस आ जाते हैं. तो ये प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो वापस आते हैं इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वी हैव अ स्प्रिंग. स्प्रिंग को हम स्ट्रेच कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं और अगर फोर्सेस के रिमूवल के बाद ये स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए तो हम कहते हैं कि ये इसकी इलास्टिसिटी की वजह से है. यानी किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बॉडी डिफॉर्मिंग फोर्स के रिमूवल के बाद, डिफॉर्मिंग फोर्स के डिक्रीज होने के बाद अपनी ओरिजिनल शेप, अपनी ओरिजिनल साइज में आ जाए इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. नेक्स्ट वी हैव स्ट्रेस. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट क्वेश्चन. डिफाइन स्ट्रेस. राइट इट्स फॉर्मूला एंड एस आई नोट. सो फर्स्ट वी हैव डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस. राइट हेडिंग डेफिनेशन. स्ट्रेस इज रिलेटेड टू द फोर्स प्रोड्यूसिंग डिफॉर्मेशन. Means stress somehow deforming force related है. अगर हम stress की definition देखें तो the force acting on unit area at the surface of a body is called stress.
फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया एट द सर्फेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस. मीन्स एरिया है और एरिया पे फोर्स एक्ट कर रही है, इस फोर्स की वजह से उस एरिया पे क्या है, स्ट्रेस है. ये डेफिनेशन समहाउ प्रेशर की डेफिनेशन जैसी है, लेकिन प्रेशर की डेफिनेशन हमने फोर्स की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन डिस्कस की थी. तो फोर्स जो पर्टिकुलर एरिया पे एक्ट कर रही है, इसका इफेक्ट क्या है, बेसिकली स्ट्रेस है. अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, यानी कि एफ ओवर ए, एंड इट्स जस्ट लाइक द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर. अगर हम इसका एसआई यूनिट देखें, इन एसआई यूनिट वी हैव यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. मींस एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर और फोर्स का यूनिट है न्यूटन. दोनों यूनिट्स जब हम लिखेंगे, कंबाइन करेंगे, वी हैव न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यानी फोर्स जो कि किसी भी सरफेस के एरिया पे एक्ट कर रही है, वो फोर्स बेसिकली स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रही है. स्ट्रेस फोर्स ओवर एरिया के इक्वल होता है और इसका ऐसे यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. जस्ट लाइक दिस, ये फोर्स है और ये किसी सर्फेस के एरिया पे एक्ट कर रही है. नेक्स्ट वी हैव स्ट्रेन. राइट क्वेश्चन, डिफाइन स्ट्रेन, राइट इट्स फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हेडिंग डेफिनेशन, व्हेन स्ट्रेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी, मींस जैसे ही कोई फोर्स किसी यूनिट एरिया पे एक्ट करती है, किसी बॉडी के सर्फेस एरिया पे एक्ट करती है, देन दिस फोर्स मे चेंज इट्स लेंथ, वॉल्यूम और शेप. तो ये फोर्स बॉडी की लेंथ को चेंज कर सकती है, वॉल्यूम चेंज कर सकती है, या शेप चेंज कर सकती है. आर रेशियो ऑफ सच अ चेंज कॉज्ड बाय द स्ट्रेस विद द ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम और शेप इज कॉल्ड एज स्ट्रेन. यानी कि वो फोर्स जो एक्ट कर रही है किसी भी बॉडी पे, वो फोर्स क्या कर सकती है, लेंथ में चेंज कर सकती है, वॉल्यूम में चेंज कर सकती है, शेप में चेंज कर सकती है. अगर हम सिंपली रेशियो लें ओरिजिनल लेंथ वॉल्यूम शेप की और चेंज इन लेंथ वॉल्यूम या शेप की, तो ये हमारे पास रेशियो है स्ट्रेन. अगर स्ट्रेस लेंथ में चेंज प्रोड्यूस करें तो इस केस में हम स्ट्रेन को कहेंगे दिस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन. ये मार्क कर लें, एमसीक्यूज में भी आता है. अगर हम टेंसाइल स्ट्रेन का फॉर्मूला देखें, देन फॉर्मूला इज चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ. यानी कि जो चेंज आया है उसका ओरिजिनल के साथ जो रेशियो है वो बेसिकली स्ट्रेन है. अभी हमने डिस्कस किया है जब स्ट्रेस एक्ट करेगा, यानी फोर्स एक्ट करेगी किसी सर्फेस एरिया पे, तो फोर्स के एक्शन से जो चेंज आएगा, उस चेंज का ओरिजिनल के साथ जो रेशियो है वो बेसिकली स्ट्रेन है. और अगर स्ट्रेन की वजह से लेंथ में कोई चेंज आए तो ये फिर क्या है, टेंसाइल स्ट्रेन है. मीन स्ट्रेस अगर किसी बॉडी की लेंथ में चेंज प्रोड्यूस करे, उस केस में जो स्ट्रेन होगा वो टेंसाइल स्ट्रेन है, जिसका फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ. सिमिलरली अगर हम स्ट्रेन के यूनिट की बात करें, स्ट्रेन हैज नो यूनिट्स एज इट इज सिंपली अ रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज. स्ट्रेन का ऐसा यूनिट नहीं होता बिकॉज हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमेटर दोनों में सेम क्वांटिटी है, दैट इज लेंथ. लेंथ का यूनिट है मीटर और नीचे भी लेंथ का यूनिट है मीटर. दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दैट्स व्हाई स्ट्रेन हैज नो यूनिट्स, क्योंकि सेम क्वांटिटीज की रेशियो है. अभी हमने डिस्कस किया स्ट्रेस को. स्ट्रेस बेसिकली वो फोर्स है जो किसी सर्फेस पे एक्ट करेगी. समहाउ हमने डिस्कस किया है ये प्रेशर से रिलेटेड, लेकिन प्रेशर में हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात की थी. स्ट्रेन क्या है कि जब बॉडी पे स्ट्रेस एक्ट करेगा, मींस बॉडी के सरफेस एरिया पे कोई फोर्स एक्ट करेगी, इस फोर्स के एक्शन से बॉडी में जो चेंज आएगा, यानी कि चेंज लेंथ में भी हो सकता है, वॉल्यूम में भी हो सकता है, शेप में भी हो सकता है, तो इस चेंज का ओरिजिनल के साथ रेशियो बेसिकली स्ट्रेन है. और अगर स्ट्रेस लेंथ में चेंज प्रोड्यूस करे, इसे हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेन, जिसका हमने फॉर्मूला डिस्कस किया है और एडीएन हमने यूनिट भी देखा है. तो यहाँ पे आप देखें एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल लेंथ है एन नॉट, लेकिन जैसे ही हमने स्ट्रेस अप्लाई किया है, जैसे ही हमने इसके सरफेस एरिया पे फोर्स अप्लाई की है, तो क्या हुआ है, इसकी लेंथ में ये चेंज आया है. तो बेसिकली डेल्टा एल ओवर एल नॉट, ये रेशियो है स्ट्रेन. स्टूडेंट्स दैट्स इट फ्रॉम टुडेज टॉपिक. आज हमने इलास्टिसिटी को डिस्कस किया. इलास्टिसिटी किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स. और इसमें हमने रबर बैंड की, स्प्रिंग बैलेंस की एग्जांपल्स डिस्कस की. इसके अलावा हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिस्कस किया. आपने हेडिंग्स ये क्वेश्चंस बुक पे मार्क करने हैं और टॉपिक को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है. गुड लक, अल्लाह हाफिज़.